Assalamu alaikum and a very good afternoon to all my respected parents and my lovely student. I hope you all are doing very well with your health. Now parents, this is the video how to download the TeachMint app for live classes and how to use it. स्टूडेंट अभी तक हमने वॉइस ऐप पर हमारे लाइव क्लासेस को कंडक्ट किया था राइट लास्ट सिक्स मंथ से बट वॉइस ऐप में कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यू के कारण बहुत सारे बच्चों को टीचर्स के वीडियो नहीं देख पा रहे थे दे वॉज नॉट एबल टू सी दैट वीडियो उसी रीज़न के वजह से अब हम मूव कर रहे हैं टू द TeachMint ऐप पर दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल ऐप सबसे पहले तो आपको क्या करना है आपको प्ले स्टोर में जाना है आपके सभी मोबाइल पर यह प्ले स्टोर ऐप होगी आप प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर को क्लिक करेंगे जैसे ही आप प्ले स्टोर को क्लिक करेंगे आपको वहां पर ऑप्शंस दिया जाएगा आपको वहां पर TeachMint ऐप को फाइंड आउट करना है TeachMint का स्पेलिंग है TeachMint लाइव क्लासरूम ऐप ऐसा लिखकर हुआ आएगा उसको आपको क्लिक करना है जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे आपको ये सिंबल दिख जाएगा आप यहाँ पर अच्छे से ये सिंबल को देख सकते हो आपको इसको इंस्टॉल करना रहेगा क्या करना है इंस्टॉल जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपका ये जो TeachMint ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इन द फ्यू मिनट्स जैसे ही आपका TeachMint ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपको फिर एक ऑप्शन दिया जाएगा ओपन तो आपको ओपन वाले बटन पर क्या करना है क्लिक करना है मतलब आपको ये ऐप को ओपन करके देखना है कि अब इसके अंदर आप कैसे आगे प्रोसेस में काम कर सकते हैं जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्या करना है क्लिक करना है मैं वापस से बोल रही हूँ लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे गए बटन पर कंटिन्यू क्लिक करना है आफ्टर दैट आपको बोला जाएगा गेट स्टार्टेड यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है वो मोबाइल जो आप लाइव क्लास के लिए यूज़ करेंगे मतलब आपके पेरेंट्स का एनी मोबाइल जैसे ही आप अपना मोबाइल इस पर टाइप करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा OTP ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में वो OTP एक्सेप्ट कर लेगा यानी आपको यहाँ पर OTP टाइप करना नहीं रहेगा राइट जैसे ही OTP ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर इस ऐप के अंदर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा तो आप मूव होंगे नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताएगा टीचर या स्टूडेंट हु आर यू आप कौन है तो आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है क्या करना है स्टूडेंट पर आप जैसे ही स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा यहाँ पर एक टिक का एरो आ जाएगा और आपका स्टूडेंट जो है वो ब्लू कलर के हाईलाइट में आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा गॉट इट आप वन बाय वन स्टेप करते जाएंगे ना तो ये वन बाय वन प्रोसेस आता जाएगा आफ्टर स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आर यू एन एडमिट ओनर तो यहाँ पर एंटर योर नेम आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है नाउ हाउ यू आर गोइंग टू एंटर योर नेम योर फुल नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है रेशमा जमादार क्लास 4A अब मैं वो भी बताऊंगी कि आपको ये नाम कैसे एंटर करना है आप यहाँ देख सकते हो मैंने कैसे एंटर किया है रेशमा जमादार रेशमा नियाज 4A आपको भी ऐसे ही करना है आपका पूरा नाम लिखना है आपका सरनेम आपका नाम और आपके फादर का नाम और पीछे आप अभी पर्टिकुलर जो भी क्लास में हो फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ एफ में आप जो भी क्लास में हो आपको वो ही क्लास के आगे आपका डिवीजन लिखना है नेक्स्ट स्टेप में नीचे आएगा कंटिन्यू आपने अपना नाम लिख लिया फिर आपको कौन से बटन पर क्लिक करना है कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है
आप जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो टीचमेंट ऐप है वो आपने क्रिएट कर दिया, आप स्टूडेंट बन गए, राइट। अब हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो पीडीएफ आती है ना, वीडियोस और पीडीएफ में, वो ग्रुप में मैं आपको आपके क्लास की स्टूडेंट लिस्ट फॉरवर्ड करूँगी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी से लेकर फोर्थ एफ तक की स्टूडेंट लिस्ट फॉरवर्ड करूँगी। स्टूडेंट ये ध्यान से सुने, आप जो भी क्लास में हैं आपको वही क्लास का लाइव क्लास का ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर आप थर्ड ए में पढ़ते हो तो आपको थर्ड ए का ही लाइव क्लास ग्रुप ज्वाइन करना होगा। अब ऐसा आपका ग्रुप बनकर आएगा, एम पी एस लाइव क्लास फोर्थ ई। तो जितने भी बच्चे फोर्थ ई में पढ़ते हैं, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 39 या 40, तो वही 40 बच्चे सिर्फ फोर्थ ई को क्लास को ज्वाइन करेंगे, बाकी फोर्थ ई के क्लास में कोई भी बच्चा ज्वाइन नहीं होगा। इस बार हमने सभी बच्चों का क्लास अलग अलग बनाए हैं, कोई भी क्लास को हमने मर्ज नहीं किया है। फर्स्ट ए का क्लास अलग होगा, फर्स्ट बी का क्लास अलग होगा, सी डी ई और एफ, वैसे ही 1-4 रोल स्टैंडर्ड के क्लासेस अलग अलग होंगे। उसके बाद हम आपके लाइव क्लास में, आपका जो लाइव क्लास वाला व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको ये लिंक फॉरवर्ड करेंगे टीचमिन की। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगी तो मेरा नाम आ जाएगा रेशमा जमादार, फोर्थ ए क्लास, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को ज्वाइन करना है, जो नीचे ब्लू कलर की जो लाइन में लिंक दी है ना, ये वाली, कौन सी, ये रेड वाला जो मैंने बॉक्स बनाया ना, उस लाइन पर यानी उस लिंक पर आपको क्लास में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, क्लिक करना है। ये सेम वाइज ऐप जैसा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार उसको डाउनलोड करके रखना है। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे ना बेटा, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई पटेल फातिमा ने मुझे एक अप्रूवल का लिंक भेजा है, राइट। मैं आपको वहाँ पर एक्सेप्ट करूँगी, राइट, क्लासरूम के लिए मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी। जैसे ही मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी तो वहाँ पर भी आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, भाई रेशमा मैडम ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका एक क्लास ओपन हो जाएगा। कौन सा क्लास आपको दिखेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इधर। जैसे ही मैं आपको अप्रूव करूँगी आपको ऐसा स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर मैंने आपको फोर्थ ए की लिंक भेजी है तो यहाँ पर आपको फोर्थ ए का क्लास दिखेगा, तो यहाँ पर आपको फोर्थ ए के क्लास पर क्लिक करना है। क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्लिक करना है, गॉट इट? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आपको पहले लिंक को क्लिक करोगे, जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे नोटिफिकेशन मुझे आएगा, मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि रेशमा मैडम ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, फिर तुरंत आपको फोर्थ ए के क्लास को क्लिक करना रहे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपका क्लास दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो भी पर्टिकुलर क्लास में हो वही क्लासरूम आपको यहाँ पर दिखेगा, फोर्थ ए। आपको क्या करना है, अब फोर्थ ए वाले क्लास पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ नीचे, कहाँ पर, नीचे ऑप्शन दिया जाएगा गो लाइव, तो आपको ये गो लाइव पर जाकर क्लिक करना है। ये बहुत ही सिंपल ऐप है, सेम टू सेम वाइज ऐप की तरह है, तो डोंट टेक एनी टेंशन। गो लाइव पे क्लिक करें, आप जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टीचर्स के साथ लाइव हो जाएंगे, गॉट इट? हैंड रेस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पर अपना हैंड रेस करेंगे। प्लीज़ सी दिस वीडियो वेरी केयरफुली, आप ये सारा वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।